क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके दो आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमी फाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो डी कॉक ने भी अच्छा किया। तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है जी, या वो जो चीज़ किया वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और आप इंडिया को देख लो पिछले एक साल में तीनों फॉर्मेट के भाई उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, वनडे का, T20 का, टेस्ट का, एक फाइनल जीते हैं और दो लड़कर हारे हैं। कप्तान एक ही था उनका, रोहित शर्मा, जिसका विजन एक ही था, वर्ल्ड कप जीतना है, चैंपियन बनना है, फाइनल जो है मैच जीतना है। विराट कोहली T20 क्रिकेट से सितारा, अनमोल सितारा, क्रिकेट के दो सितारे T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। विराट कोहली ने तो ऑफिशियल बता दिया आगे कि मेरा ये T20 वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप है, बायलैटरल सीरीज वो खेलते नहीं है, तो इसका मतलब है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से रिटायर हो चुके हैं। विराट कोहली T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इधर हमारे पास कुछ घंटे के किंग हैं, वो जो अपने बायलैटरल सीरीज के रन और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को लेके बड़ी जगह घूम फिर रहे हैं कि जी हम तो जी किंग बन जाएंगे, हम तो जी ये कर देंगे। तो बहुत सारी अच्छी यादें इनकी इंडिया से वाबस्ता है। मुझे अफसोस ये है कि एक ऐसा बंदा जो नॉर्मली कंट्रोवर्शियल नहीं होता, जो 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 जाना नहीं जाता, उसने जो है वो, मैं तो समझता हूं कि जिसको आप कहते हैं कि आग में हाथ डाल दिया विदाउट एनी रीजन, कहीं से वो बात उठा के एक रन ऑफ द शो के अंदर आके वो कहते हैं कि जनाब इंडिया जो है उसने तो इस मैच के अंदर वो की है, बॉल टेम्परिंग की है। हालांकि देखिए ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं इधर की वेस्ट इंडीज की, यहां पे जो स्टेडियम्स हैं नंबर वन, एक तो वो पिचें बहुत ड्राई होती हैं, कोई ग्रासी पिचेस तो होती नहीं है यहाँ पे, लो और स्लो पिचेस होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अपनी, जिसको आप कहते हैं कि शाइन, वो आहिस्ता आहिस्ता खो देती है। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें इंजी भाई, हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही जबरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं, एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्डवर्क करके आए थे ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके दो आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमी फाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डी कॉक ने भी अच्छा किया। तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है जी, या वो जो चीज़ किया वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था। ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर बन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना, वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी। मुझे अफसोस ये है कि एक ऐसा बंदा जो नॉर्मली कंट्रोवर्शियल नहीं होता, जो 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 जाना नहीं जाता, उसने जो है वो, मैं तो समझता हूं कि जिसको आप कहते हैं कि आग में हाथ डाल दिया विदाउट एनी रीजन, कहीं से वो बात उठा के एक रन ऑफ द शो के अंदर आके वो कहते हैं कि जनाब इंडिया जो है उसने तो इस मैच के अंदर वो की है, बॉल टेम्परिंग की है। हालांकि
देखिए ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं इधर की वेस्ट इंडीज की। यहां पे जो स्टेडियम्स हैं, नंबर वन एक तो वो पिचें बहुत ड्राई होती हैं, कोई ग्रासी पिचेस तो होती नहीं है यहाँ पे, लो और स्लो पिचेस होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अपनी जिसको आप कहते हैं कि शाइन वो आहिस्ता आहिस्ता खो देती है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं कर रही है बॉल टेम्परिंग का, मतलब आप इल्जाम लगा रहे हैं बगैर आपके पास कोई सबूत। आप इंडिया को देख लो, पिछले एक साल में तीनों फॉर्मेट के भाई उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, वनडे का, टी ट्वेंटी का, टेस्ट का, एक फाइनल जीते हैं और दो लड़कर हारे हैं। कप्तान एक ही था उनका, रोहित शर्मा, जिसका विजन एक ही था, वर्ल्ड कप जीतना है, चैंपियन बनना है, फाइनल जो मैच जीतना है। विराट कोहली टी ट्वेंटी क्रिकेट से सितारा, अनमोल सितारा, क्रिकेट के दो सितारे टी ट्वेंटी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। विराट कोहली ने तो ऑफिशियल बता दिया आगे कि मेरा ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप है, बायलैटरल सीरीज वो खेलते नहीं है, तो इसका मतलब है कि विराट कोहली टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से रिटायर हो चुके हैं। विराट कोहली टी ट्वेंटी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इधर हमारे पास कुछ घंटे के किंग हैं, वो जो अपने बायलैटरल सीरीज के रन और अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को लेके बड़ी जगह घूम फिर रहे हैं कि जी हम तो जी किंग बन जाएंगे, हम तो जी ये कर देंगे, हमने जी बड़े रन बना लिए, जिसमें पाकिस्तान जीता कहीं भी नहीं है। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले, कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी चार ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी अगर आप देखें तो, उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, जसप्रीत बुमराह और क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है यादव, कमाल कैच पकड़ लिया उस, देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है जी, जी, तो इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हर मोमेंट में आपको नई नई चीज़ें नजर आई। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सरेआम आकर भारत के इस जीत पर खुश नहीं दिख रहे, क्योंकि इनका कहना है कि अगर स्पिनिंग विकेट्स नहीं होते तो भारत इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाता, और इसलिए उन्होंने सरेआम आईसीसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आईसीसी बीसीसीआई की हर जगह फेवर करती है। वहीं पर इंजमाम उल हक का भी कहना है कि 16 ओवर तक साउथ अफ्रीका पूरे मैच के कंट्रोल में थी। जो टीम एक ओवर में 24 रन बना सकती है वो 26 बॉल में 24 रन कैसे नहीं। वहीं पर उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि साउथ अफ्रीका एक चौकस टीम है और वो इस बार सेमीफाइनल में नहीं जाकर फाइनल में चौक हो गई। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।